जिस ट्विटर ने दुनिया के सभी प्रभावशाली लोगों के साथ आमजनों को अभिव्यक्ति की आजादी का बड़ा मंच दिया है, और जो ट्विटर अब अद्यतन सूचनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, जिस ट्विटर की चर्चा एलन मस्क के नए मालिक बनने के बाद से पूरी दुनिया में और तेज हो गई, जिस ट्विटर पर ब्लू टिक पाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती रही है, और अब जिस ट्विटर के 44 अरब डॉलर में मस्क के हाथों बिकने पर ब्लू टिक के लिए $8 प्रतिमाह चार्ज लगाने की बात हो रही है, क्या वही ट्विटर अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? ट्विटर के हमेशा के लिए बंद हो जाने की ये खबर आपको परेशान कर रही होगी। आखिर ट्विटर बंद हो जाएगा तो फिर लोगों को इस तरह का दूसरा मंच कहां मिलेगा? लोगों की रोजमर्रा में जगह बना चुके ट्विटर के बगैर फिर जिंदगी कैसी होगी? लोगों को विभिन्न सूचनाएं तत्काल कैसे मिल पाएंगी? इत्यादि जैसे ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। आखिरकार आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा ही था, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई इसके बंद होने की बात होने लगी है? तो आपको बता दें कि आशंका स्वयं ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने जताई है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इस कंपनी के दिवालिया होने की आशंका जताई है। एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर जल्द ही दिवालिया हो सकता है क्योंकि आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एलन मस्क ने शायद ब्लू टिक के लिए $8 चार्ज की घोषणा करके कंपनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते थे, मगर वे इस मोर्चे पर सफल नहीं हो पा रहे। ट्विटर से ज्यादातर कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। मस्क को कंपनी चलाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। ऐसे में दिवालिया होने के बाद कंपनी के बंद होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर बताया है कि विज्ञापनों से होने वाली कमाई में लगातार गिरावट हो रही है, सब्सक्रिप्शन में भी सफलता नहीं मिल रही। ऐसे में कंपनी आर्थिक मंदी से बच नहीं सकती। इस दौरान कंपनी के कई बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी बचे हुए बड़े पदाधिकारियों ने भी शीघ्र ही कंपनी छोड़ने का ऐलान करके हलचल मचा दी है। ऐसे में ट्विटर का संचालन अब मुश्किल हो चुका है और इससे ट्विटर के बंद हो जाने की आशंका बढ़ गई है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।